हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 अपलोड किया गया है। उसमें आपको कल हमने क्या पढ़ा ये बताया गया था कि कल क्या पढ़ाया गया है। तो आज देखिए कल हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम ये पढ़े थे कि सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें एक वर्गीकरण हम कल पढ़े थे, sp3 संकरित सी बॉन्ड एक्स आबंध वाले यौगिक। इसमें पहला आता है मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। पहला यह है इसका sp3 संकरण होगा, इसका यह पहला है मोनो एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इसमें तीन टाइप के आते हैं। एक आता है प्राथमिक, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, इंग्लिश के पी लेटर से लिखा जाता है। एक होता है द्वितीयक, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, इंग्लिश के sec लेटर से दिखाया जाता है। तीसरा होता है तृतीयक, जिसको हम टर्सरी बोलते हैं, TERT से दिखाया जाता है। इसी का एक और नाम है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब कार्बन की डिग्री देखना है, कौन से कार्बन की डिग्री, जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसकी डिग्री देखना है। कल मैं डिग्री देखना भी बताया था कि आप डिग्री कैसे देखते हैं। आज का हमारा टारगेट क्या है, आज हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका दूसरा पार्ट, जैसे मोनो हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड हो गया है, इसका दूसरा पार्ट है एलिलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड्स या बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड्स। अब ये पहला टारगेट आपका, पहला टॉपिक है। उसके बाद दूसरा टारगेट टॉपिक है sp2 तथा sp संकरित सी आबंध एक्स, सी बॉन्ड एक्स आबंध वाले यौगिक। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 और sp होगा। इसके पहले क्या था, sp3 था। उसके बाद एक नया टॉपिक है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का IUPAC नामकरण, यानी IUPAC नामन क्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक को। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए टारगेट क्या है। चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और आपका आज पहला टॉपिक है जिसका नाम है एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड्स। हिंदी में इंग्लिश में एलाइलिक लिखते हैं और आप हिंदी में एलिलिक लिखते हैं। तो पहली हेडिंग नहीं बनाइएगा, ये नई हेडिंग आपकी होगी पहली, ठीक है। ये पहली हेडिंग आज की है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, एलिलिक हाइलाइट, या इसी को एलाइलिक इंग्लिश में लिखते हैं, एलाइलिक हाइलाइट्स। अब ये एलाइलिक हाइलाइट्स क्या होता है, देखिए संकरण इसमें भी sp3 ही होगा, यानी अभी संकरण आपका sp3 ही चल रहा है। अभी sp2 इसके बाद आएगा, जब व्यंजिल पढ़ा लेंगे उसके बाद sp2 और sp आएगा। ये संकरण sp3 इसमें भी होगा, लेकिन बात आती है कि एलाइलिक हाइलाइट्स को हम कैसे पहचानेंगे, एलाइलिक हाइलाइट्स की पहचान क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान ये है कि जैसे सपोज कर लो कि आपका जो एल्किल हाइलाइट्स है, जैसे ये सी आबंध आबंध एक्स, यानी सी सिंगल बॉन्ड एक्स होगा, इसके बाद वाला जो कार्बन होगा, इसके बाद जो कार्बन जुड़ा होगा वह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, जैसे यहाँ का ये डबल बॉन्ड ऐसा हो, यानी कि जो एल्किल हैलाइड्स जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु होगा जिस कार्बन से, उसके बाद वाले कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक। ये पोजीशन एलाइलिक की है, किसकी है, एलाइलिक की, ये एलाइलिक की पोजीशन है, ऐसे को हम एलाइलिक बोल देंगे। अब अगर संकर देखना है तो संकर देखिए इस कार्बन का, क्योंकि इसी से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस कार्बन का संकर क्या होगा, इस कार्बन का संकर होगा sp3। क्या होगा, sp3। अब इसका संकर हो गया sp3, इसके बाद जो कार्बन आ रहे हैं वह कार्बन किससे जुड़े हैं, डबल आबंध, यानी दुई आबंध से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से, दो दुई आबंध से जुड़े होंगे। तो ऐसा जो हाइलाइट्स होगा उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हाइलाइट्स। लेकिन संकर क्या है, sp3 है। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में दिखा सकते हैं सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2
और यहां दिखा दीजिए सीएल। तो अब देखिए यहां पर हाईलाइट मिल गया आपको, ये आपका हाईलाइट है, इससे कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। इसके बाद ये जो कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन की पोजीशन क्या है, यह कार्बन की पोजीशन है एलाइलिक। इस कार्बन की पोजीशन क्या है, एलाइलिक है। इसका मतलब ये जो हाईलाइट है ये कैसा हाईलाइट है, एलाइलिक हाईलाइट है। यह हाईलाइट कैसा है, एलाइलिक हाईलाइट है। और भी एग्जाम्पल जैसे इस तरह से भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कह दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CL, ये भी हो सकता है। कैसे देखिएगा ध्यान से, आपका हाईलाइट यहाँ पे है, हाईलाइट से ये कार्बन जुड़ा, इसका संकरण क्या है, sp3 संकरण इसका है। इसके बाद वाले कार्बन देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन किसकी हो गई, एलाइलिक की हो गई, किसकी हो गई, एलाइलिक की। तो ये हाईलाइट्स कैसा हो गया, एलाइलिक हाईलाइट हो गया। तो आशा करता हूँ कि एलाइलिक हाईलाइट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल और आप देखिए, जैसे ऐसा भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बंद कंपाउंड, कोई बंद श्रृंखला मिल जाए, बंद श्रृंखला में इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, एक्स, कोई हैलोजन जोड़ दिया और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपका हाईलाइट हो गया ये, अब ये हाईलाइट किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है। यहाँ पर जो कार्बन होगा इसका संकरण बताओ, sp3 है, इसका संकरण क्या है, sp3 है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये एलाइलिक पोजीशन है, ये किसकी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन है। जब ये एलाइलिक पोजीशन है तो ये हाईलाइट कैसा हो गया, एलाइलिक हाईलाइट्स हो गया। तो एलाइलिक हाईलाइट्स का मतलब ये है कि आप जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होगा उसके बाद वाला कार्बन क्या होना चाहिए, उसके तुरंत बाद वाला कार्बन डबल आबंध होना चाहिए, यानी द्वि आबंध से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ये देखिए द्वि आबंध से जुड़ा है, ठीक है, इसकी बाकी और बैलेंसी पूरी कर दी जाए इस तरह से, ठीक है, जो बैलेंसी इसकी खाली हो उसकी बैलेंसी इस तरह से पूरी होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा एलाइलिक हाईलाइट। क्या हो जाएगा, एलाइलिक हाईलाइट्स। और एलाइलिक हाईलाइट्स का आप एग्जांपल याद रखिएगा, इसकी पहचान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एलाइलिक हाईलाइट्स, ठीक है, एलाइलिक हाईलाइट्स की पहचान कैसे की जाती है। उसके बाद अब है नया टॉपिक, बेंजीलिक हाईलाइट्स या बेंजाइलिक हाईलाइट्स। तो बेंजाइलिक हाईलाइट्स क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको, चलिए ठीक है मैं इसको रेज कर रहा हूं। अब बेंजाइलिक हाईलाइट्स क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, बेंजाइलिक हाईलाइट्स, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी बेंजाइलिक हाईलाइट्स, बेंजाइलिक हाईलाइट्स, ये आपकी नई हेडिंग है बेंजाइलिक हाईलाइट्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं बेंजिलिक, बेंजिलिक हाईलाइट, इसको इंग्लिश में लिखेंगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाईलाइट्स। अब देखिए बेंजाइलिक हाईलाइट्स क्या होता है, तो बेंजाइलिक हाईलाइट्स का मतलब यह है बेंजीन रिंग होगी, और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हैलोजन परमाणु नहीं जुड़े हुए, तो वो sp2 संकरण हो जाएगा, उससे कोई sp3 संकरित कार्बन होगा, उसके बाद उससे हैलोजन जुड़ा होगा। जैसे ये देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये बेंजीन रिंग हो गई, अगर यहां पर कोई हैलोजन जुड़ गया तो यहां संकरण sp2 आ जाएगा, यहां से पहले कोई एक sp3 संकरण जोड़िए, इसके बाद यहां पर आप क्या जोड़िए, एक्स को जोड़िए, तो ये आपका क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया। कैसे भाई, जहां हैलोजन जुड़ा है, इसको देखिएगा, जहां हैलोजन जुड़ा है यहां पर ये, इसके बाद इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, अब इस कार्बन का आप संकरण देखिए, संकरण इसका क्या होगा, sp3 होगा, इसके बाद पूरी रिंग कैसी है, बेंजीन है, तो ये हाईलाइट्स कैसा हो गया, बेंजाइलिक हाईलाइट्स हो गया। क्या हो गया, बेंजाइलिक हाईलाइट्स। बेंजाइलिक हाईलाइट्स की पहचान देखिएगा, बेंजाइलिक हाईलाइट्स की पहचान है कि इससे तुरंत जो हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 संकरण हो, और जो हाईलाइट से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, हाईलाइट से जुड़ा हो, तो sp3 होगा, और उसके बाद तुरंत बेंजीन रिंग आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हाईलाइट्स होगा। क्या होगा, बेंजाइलिक हाईलाइट्स। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे देखिए आपका ये एक एग्जांपल एक और हो सकता है बेंजाइलिक हाईलाइट्स का, आप इसको भी बेंजाइलिक हाईलाइट्स बोल सकते हैं, ऐसे अगर आ गया CHX और यहां से आ गया CH3, ये देखिए, तो अब किसको देखेंगे, हैलोजन यहां पे है, इससे जुड़ा हुआ है, इसका संकरण बताइए, ये इसका संकरण sp3 है, उसके बाद यहां से क्या है, बेंजीन रिंग है, तो ये आपका क्या हो गया,
जा लिखा जाए 100 ग्राम। लेकिन इसकी डिग्री क्या है? अगर इसकी डिग्री देखा जाए तो इसकी डिग्री 2 है। डिग्री क्या है? 2। और इसकी डिग्री, इसकी डिग्री देखिए तो यहाँ भी आपको इसकी डिग्री 3 मिलेगी, 1 2, 1 2 दो डिग्री मिलेगी। और इसकी डिग्री कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। इसकी डिग्री 2 है, देखिएगा इससे एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। कितनी होगी? 2। और इसकी डिग्री कितनी होगी? 1, क्योंकि यहाँ केवल एक कार्बन यही है, बाकी इसके इधर कार्बन नहीं है। तो इसमें 3 डिग्री भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल और हो सकता है ऐसा, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है यहाँ C हो जाए, X हो जाए, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, और इसको पूछा जाए तो यह भी आपका क्या होगा? बेंजाइलिक होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये संकरण, देखिए यहाँ पर किसका संकरण है? SP3 का है। किस प्रकार संकरण है? SP3। और इसकी डिग्री देखिए तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो ये डिग्री कितनी होगी? 3। तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री इसमें भी हो सकता है। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखिए और बताइए, क्या ये बेंजाइलिक है? पहचानिएगा क्या ये बेंजाइलिक है। जैसे ये बेंजीनिंग हो गई, यहाँ CH2 हो गया, इसके बाद फिर यहाँ CH2 हो गया, यहाँ X हो गया, क्या ये बेंजाइलिक है? पहचान के बताइए, एक बार वीडियो को पुश करके देखिए और पहचान के बताइए। चलिए ठीक है, देखिए ये बेंजाइलिक है कि नहीं है। ये आपका हाइलाइट्स है, इसके बाद ये कार्बन जुड़ा है, ये SP3 है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या बेंजीन रिंग है? नहीं है। इसके बाद अगर तुरंत बेंजीन रिंग नहीं है तो यह आपका बेंजाइलिक हाइलाइट्स नहीं है। आप एग्जाम्पल इसका बेंजाइलिक हाइलाइट्स नहीं देंगे, ये बेंजाइलिक हाइलाइट्स नहीं है, तो फिर ये क्या है? अगर ये बेंजाइलिक हाइलाइट्स नहीं है तो ये कौन सा हाइलाइट्स है? आप इसको देख करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है कि ये कौन सा हाइलाइट्स है। ये आपको होमवर्क के रूप में मिला हुआ है कि ये कौन सा हाइलाइट्स है, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको बता दिया जाएगा ये कौन सा हाइलाइट है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरी हो गई होगी, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि एराइलिक हाइलाइट्स क्या होता है और बेंजाइलिक हाइलाइट्स क्या होता है, इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे हाइलाइट्स जिसमें कार्बन का संकरण क्या हो? SP2 हो। कार्बन का संकरण क्या हो? नोट कर लीजिए इसको, बाद इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा कि जिसका आप संकरण SP3 देख रहे थे अभी तक, अब उसका संकरण क्या होना चाहिए? SP2। उसी कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? SP2 होना चाहिए। इसका मतलब आपकी नई हेडिंग बन जाएगी एक SP2 संकरित SP2 संकरित सी बॉन्ड एक्स आबंध वाले यौगिक। ये आपकी एक नई हेडिंग बन गई। अब देखिएगा इसमें SP2 संकरण का मतलब, इसमें कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए? हैलोजन। उसका हैलोजन जो है उस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जिसका संकरण क्या हो? SP2 हो। जिसका संकरण क्या हो? SP2 हो। जैसे अब इसकी डिफिनेशन कुछ नहीं बोलेंगे, डिफिनेशन में क्या बताएंगे भाई? आप कहेंगे सर ऐसा हाइलाइट्स या ऐसा हैलोजन जिससे वो जिस कार्बन से वो जुड़ा हो उसका संकरण क्या हो? SP2 हो। उसका संकरण SP2 हो तो उसको क्या कहते हैं? SP2 संकरित सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध वाले यौगिक। जैसे एग्जांपल में, या सबसे पहला इसमें क्या आता है? पहला इसमें क्या आता है? देखिए इसके कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स हैं एरिल हाइलाइट। क्या है? एरिल हाइलाइट, या इसी को कहा जाता है एराइल हाइलाइट। इसी को क्या कहा जाता है? एराइल हाइलाइट्स, ठीक है। तो एरिल हाइलाइट कहिए या एराइल हाइलाइट्स कहिए, बात ये कहिए। एराइल हाइलाइट्स, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? एरिल हाइलाइट। इसका नाम क्या होगा? एरिल हाइलाइट। अब एरिल हाइलाइट की पहचान कैसे होगी? तो संकरण क्या होना चाहिए? संकरण सबसे पहले कार्बन का SP2 होना चाहिए। संकरण कार्बन का SP2 होना चाहिए हमेशा, और जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसका संकरण SP2 होना चाहिए। यानी कि किसी भी कार्बन का संकरण SP2, ऐसा नहीं है। जिससे हाइलाइट, यानी जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए? SP2 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में ये लिख दिया मैं, देखिएगा ये लिख दिया, ये देखिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा हुआ है? तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से,
इस कार्बन से हैलोजन है, इसका संकरण देखिए तो एक सिग्मा बंध यहाँ है, एक सिग्मा बंध यहाँ और एक सिग्मा बंध यहाँ, तीन सिग्मा बंध है, और तीन सिग्मा बंध से कौन सा संकरण बनता है, sp2 बनता है, कौन सा बनता है, sp2 बनता है। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया एराइल हैलाइड्स, क्या हो गया एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स का मतलब यही होता है कि जिसमें जो है आपका जो हैलाइड्स जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, उस कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका हो गया एराइल हैलाइड्स। अब इसमें एक और आता है जिसका नाम है वाइनिलिक हैलाइड्स, एक और आता है जिसका नाम क्या है, वाइनिलिक हैलाइड्स, वाइनिलिक हाइलाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं विनाइलिक हाइलाइट्स, विनाइलिक वी आई एन वाई एल आई सी, विनाइलिक हाइलाइट्स, विनाइलिक हाइलाइट्स या वाइनिलिक हाइलाइट्स। अब विनाइलिक हाइलाइट्स क्या होता है, तो आप ऐसा ऐसा हाइलाइट्स देखिएगा जिसमें ये बेंजीन रिंग के अलावा भी sp2 संकरण आ जाए, जैसे ये देखिए CH3 CH2 CH3 CH2, उसके बाद इसके आगे एक और कोई जोड़ दीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CHX, ये देखिए। तो अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि हैलोजन परमाणु कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसका इससे कौन कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन, तो इसका संकरण बताइए, एक सिग्मा बंध यहाँ पे, एक हाइड्रोजन वाला दो और एक हाइड्रोजन वाला तीन, एक हाइड्रोजन का सिग्मा बंध, एक इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध और एक यहाँ, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया, अगर sp2 हुआ, और अगर संकरण sp2 हुआ तो ये आपका क्या हो गया, वाइनिलिक हो गया, क्या हो गया, वाइनिलिक। और भी एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये भी आपका क्या है, वाइनिलिक है, ये भी क्या है, वाइनिलिक है। देखिए संकरण यहाँ पे, संकरण इसका क्या है, sp2 है, तो संकरण sp2 है, तो ये भी आपका क्या हो गया, वाइनिलिक हो गया। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल ये लिख लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, वाइनिलिक है, क्या है, वाइनिलिक है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, वाइनिलिक है ना, क्योंकि संकरण इसका क्या है, देखिए तो इसका संकरण क्या है, sp2 है कि नहीं है। और भी संकरण इसमें और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH C सिंगल बॉन्ड X, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH3 आ गया, ऐसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए एक सिग्मा बन, तो तीन सिग्मा बन हुआ, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3, क्योंकि यही हाइलाइट से sp2 पढ़ाया हूँ, इसीलिए बार बार जुबान पे sp3 ही आ रहा है। ये संकरण क्या होगा, sp2, आप काउंट कर लीजिए, एक सिग्मा बंध यहाँ, तीन सिग्मा बंध से कौन सा संकरण बनता है, sp2। ये आपको पहले ही वीडियो में बताया गया, जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले इसका लेक्चर नंबर 1 देख ले, तभी संकरण बता पाएगा कि sp2 है कि sp3 है, और संकरण कैसे देखते हैं sp2 और sp3। तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हाइलाइट्स। तो विनाइलिक हाइलाइट्स की भी पहचान याद रखिएगा, और बेंजाइलिक हाइलाइट्स की भी पहचान याद रखिएगा। इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है जिसको हम sp संकरित कहेंगे। अब sp संकरित कैसे हो सकता है देखिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो उसको नोट कर लें, चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आपका जो संकरण होगा वो क्या होगा, यानी कार्बन का जो संकरण होगा वो होगा sp, क्या होगा, sp। इसका मतलब नई हेडिंग बनेगी आपकी, नई हेडिंग आपकी क्या बनेगी, sp संकरित C बॉन्ड X आबंध वाले यौगिक, यानी ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन का संकरण क्या होगा, sp होगा, जिसमें कार्बन का संकरण क्या होगा, sp होगा। तो इसमें एक ही आता है जिसका नाम होता है एल्कनाइल, क्या होता है, एल्कनाइल, एल्कनाइल में एक ही होता है एग्जांपल में, और उस एग्जांपल को आप, एग्जांपल तो इसके और भी बन सकते हैं, लेकिन आप स्पेशली एक याद रखिएगा एल्कनाइल,
इसका नाम शॉर्टकट में एल्कनाइल भी याद रखिएगा, एल्कनाइल से भी इसको जाना जाता है, एल्कनाइल याद रखिएगा, ये इसका नाम है एल्कनाइल। ठीक है, तो एल्कनाइल में आपको कैसे इसको हम समझाएंगे कि संकर एसपी आ जाए, जैसे ये देखिए, अगर आपको कोई ऐसे कह दिया CH3, उसके बाद यहाँ लिखा C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड यहाँ लिख दिया BR। ठीक है, इस बार BR लिया गया, इसके पहले क्लोरीन लिया जाता था बार बार, तो इस बार हमने BR ले लिया। हैलाइड में आपको बताया गया है कि हैलाइड में आप ये एटम ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये पहले ही बताया गया है, पहली वीडियो में ही बताया गया है कि हैलाइड्स ग्रुप में कौन कौन से एटम आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये आपका हैलाइड परमाणु है, हेलोजन है, उसके बाद ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का संकरण बताएं तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड आता है तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर कहीं डबल बॉन्ड आता है किसी भी कंपाउंड में तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है, यानी एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा, पहला सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं आता है, कहीं तीन बंध वाला आता है, तो उसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, एक सिग्मा होगा और क्या होंगे, दो पाई होंगे। तो बताइए इसमें सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, देख करके बताइए, तो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या आपको मिल जाएगी दो, कितनी, दो, एक यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ मिल जाएगा, तो एक सिग्मा बंध और दो सिग्मा बंध, दो सिग्मा बंध संकर क्या बनेगा, एसपी बनेगा, क्या बनेगा, एसपी। तो ये आपका क्या हो गया, एसपी संकरित वाला सी आबंध, सी बंध एक्स आबंधित यौगिक हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल, एल्कलाइन का ही मुख्य एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये हो गया एच, एच सिंगल बॉन्ड यहाँ लिख दीजिए, एच सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एक्स, ये लिखिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए संकर इसका क्या है, किसका संकर देखेंगे, इस कार्बन का, क्योंकि हाइलोजन से यही कार्बन जुड़ा है ना, हाइलोजन से यही तो कार्बन जुड़ा है, तो इसी का संकर देखेंगे, तो इसका संकर क्या है, एसपी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एल्कनाइल हो गया, क्या हो गया, एल्कनाइल। तो आपने क्लासिफिकेशन टॉपिक को पूरा कर लिया, आशा करता हूं कि आपको क्लासिफिकेशन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक एक नीट का क्वेश्चन था, इस बार आया हुआ था 2023 में, वो क्वेश्चन क्या है आप उसको देख लीजिए, और अगर आप उसको कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ पे हल करवाया जाएगा, देखिएगा कैसे होगा, पहले आप उसको अपने होमवर्क में रखिएगा, उसके बाद उसको फिर हम दोबारा उसको हल करवा देंगे। नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार के नीट में बेंजीन रिंग बनी थी ऐसे, और यहां से जुड़ा था CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड X, पूछा था कि ये कौन सा हाइलाइट्स है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन सा हाइलाइट्स है। तो अब आप देख करके बताइएगा ये कौन सा हाइलाइट्स है, और अगर नहीं बता सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसको हम बता देंगे ये कौन सा हाइलाइट्स है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप बता लेंगे, क्योंकि आपको पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया गया कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर पूरी वीडियो को लेक्चर नंबर एक, लेक्चर नंबर दो को पूरा कवर किए हैं तो इसको आप कर सकते हैं आसानी से, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये इस बार का क्वेश्चन था 2023 का, नीट 2023 का क्वेश्चन ऐसे ही था, और इसमें पूछा था कि कौन सा ये एल्किल हाइलाइट्स है, किस प्रकार का एल्किल हाइलाइट्स है, चार ऑप्शन दिए हुए थे, नीचे बेंजीलिक दिया हुआ था, विनाइलिक दिया हुआ था, दो और ऑप्शन था। ठीक है।